सो इस टाइम पे ये हमने कपड़ों को सूखने डाला है पहले, ताकि डालने लायक कुछ कपड़े हो, और बैग को भी, बैग भी गीले हैं, अंदर कुछ कपड़े सूखे हुए हैं, पर जो मेन डालने वाले थे सब भीग चुके हैं। धूप अगर कंटिन्यूस रही तो 15 मिनट में सूख जाएंगे। सो अभी ये टास्क ख़त्म करके हम जाएंगे सैर करने और आसपास एक्सप्लोर करेंगे। गुड मॉर्निंग माय प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। सो टाइम हो गया, लगभग 2 बज गए हैं। फाइनली हमें हमारा घर मिल गया है, घर एज एन रूम मिल गया है। सो शो यू, दिस इज द काइंड ऑफ प्लेस आई एम करंटली गेटिंग इट फॉर 4000 बक्स, 3000 एक्चुअली। दैट लास्ट रूम ओवर देयर, वो हमारा रूम है लेफ्ट में, एंड मैं आपको रूम दिखाता हूँ उसके बाद। हमारी बैल्कनी है, दिस इज द व्यू वी आर गेटिंग आई रूम। ओके, तो दिस एन अपडेट, जैसे कि मैंने बताया आज मैं केदारनाथ को एक्सप्लोर करूँगा, आसपास ऐसे थोड़ा टहलूँगा, मंदिर दर्शन करेंगे एंड ऑल। इसके अलावा नीचे रिवर के पास जाके बैठेंगे। कल का हमारी जो आइटनरी है, कल की जो हमारी जर्नी है, वो ये पहाड़ है, 14,700 फीट पे वासुकी ताल। बेसिकली वो सिर्फ 7 किलोमीटर का ट्रैक है, बट बिकॉज 14,000 फीट से ऊपर है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ऐसा लगता है कि वो 12, 15, 20 किलोमीटर का ही ट्रैक है। यू सी, दिस इज द काइंड ऑफ प्लेस वी आर गेटिंग एंड आई एम पेइंग समवेयर अराउंड 3000 बक्स फॉर वन डे। हम यहाँ 2 दिन रुकने वाले हैं प्रोबेबली, आज भी और कल भी। एनी वेज, अब तो ले लिया रूम, अब थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, चल के देखते हैं और आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ हमारे केदार के, हमारे बाबा के दर्शन कराता हूँ। बने रहिए, सी यू अराउंड, टेक केयर। ओ भाई साहब, लाइन लगी हुई है, दर्शन की लाइन लगी हुई है, क्या बात है। अभी तो लाइन में लग भी नहीं रहा मैं यार, आके रहने का एक ही मतलब बनता है कि जब जाओ खुले दर्शन हो, तो कितने सही लग रहे हैं ना सामने ग्लेशियर्स। मुझे लगी है भूख, मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, पहले मैं जाऊँगा कुछ खाऊंगा और उसके बाद हम जाएंगे भैरव मंदिर तक। ये देखिए कुछ मार्केट, ये कुछ इस तरीके से फुल रौनक लगी हुई है यहाँ पे। वन थिंग, एवरीथिंग इज टू एक्सपेंसिव, लिटरली 80 रुपीज वी पेड फॉर अ वाटर बॉटल। वन थिंग आई हैव नोटिस्ड, दिस टूरिज्म डिपार्टमेंट इज ग्रोइंग वेरी यू नो वेरी फास्ट। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है न्यू बन रही हैं। आई थिंक इन द कमिंग, आने वाले कुछ टाइम तक जो रहने और खाने पीने की जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। अभी के लिए नॉट सेटिस्फाइड। तो एक ब्रिज है, वे क्रॉसिंग दिस ब्रिज, एक्चुअली में वो दूसरा ब्रिज है जो मंदिर के टेंपल के पीछे से जाता है रास्ता, और वो रास्ता भैरव मंदिर को जाता है ऊपर की तरफ। कल मुझे पता चला कि विद हेलीकॉप्टर्स ओनली दे ब्रिंग दिस, क्या कहते हैं, ट्रैक्टर्स एंड क्रेन्स टू दिस प्लेस, बिकॉज यहाँ पर कोई रोड तो है नहीं। सो हेलीकॉप्टर से बांध के इन चीज़ों को ऊपर लेके आया जाता है फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड ऑल। लेकिन कंस्ट्रक्शन का सामान अभी भी फोनेज पे ही आता है, सारा काम लोगों को लाने का, इस्तेमाल के आने का जानवरी करते हैं। हाँ जी, तो हमारे साथ बहुत बड़ी कॉमेडी होगी, जिस रास्ते में जा रहा था एक्चुअली रात को पता नहीं चला, उसी रास्ते में आया था, लेटर आई रियलाइज एट टर्न के ऊपर। सो आई केम बैक, यहाँ पे हम पराठा खाने वाले हैं, उसके बाद हम जाएंगे भैरव मंदिर। सो आज का टास्क ज़्यादा नहीं है बिकॉज आई एम एक्चुअली टायर्ड और ज़्यादा हिम्मत नहीं है मेरे को कुछ करने की। हाँ, हमारा खाना और चाय दोनों आ गया है, हमने गर्म पानी भी करवाया। अभी टांग आते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं एंड गो टू भैरव मंदिर। सी यू। सो यू हैव बीन हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हाउ यू फील अबाउट दिस प्लेस? सो या आई नो दिस एक्सट्रीम कोल्ड एंड फॉर देयर इट्स लाइक एंटायर ईयर वन वेदर,
Yeah, so how is it? Like, you feel like you will stay here for long, or like you will just visit and go? No, the reason I came here is for the Shiv's Darshan. Okay. So I really want to do that. Okay. But I'd also like to spend some more time here. Next tomorrow morning 6:30 helicopter. Oh, tomorrow morning you're leaving back. Leaving back. So how much they are charging you for the helicopters? Helicopter is timing is 6,000 Navo. 6,000 for one person, one side. One person, one side. And for return? 80 kgs, above 80 kgs. Each kg 150 rupees charge. Is a boarding pass. This is a boarding pass. Okay, this is the boarding pass. So Shri, tomorrow you give me time 6:30 a.m. Tomorrow. Oh, so tomorrow they have given you the time that you have to be there. But you have to reach there before that. Yes. Okay. So how is the same price or a different price for return? No. This is up and down. Oh, so 6,500 for up down one person. That's decent price. So how much time it took in a helicopter? 3 to 4 hours. In a helicopter, 3 hours. No, waiting for there. Oh, waiting for like how long was the ride? There is a fully rushed, very rushed. Helicopter ride at the same time. The distance, yeah. Only 10 minutes. 10 minutes, yeah. Only 10 minutes. It took me 10 hours to reach by boat. Anyways, it was nice to meet you all. These guys are from Hyderabad. Biryani, I remember. So yeah, अभी हम चलते हैं भैरव मंदिर. आप लोग कहाँ जा रहे हैं? टेम्पल के दर्शन के लिए. अरे वाह, चलो बन बम बम बोले. हाँ जी, यहाँ पे इसका नाम है रेतस कुंड. इस मंदिर रेतस कुंड, दिस वन. पानी भरा हुआ प्राचीन रेतस कुंड में महादेव का नाम जयकार जयकारा लगाने से पानी में बुलबुले आते हैं. अच्छा, यात्रा और मनोकामना सफल होने के शुभ संकेत होता है. अरे और ट्राई करते हैं. हर हर महादेव. पहले से आ रहे हो तुम बिना बोले भी आ रहे. हर हर महादेव, जय भोले की. बाबा जी नाराज होने लगता है. ओके, सो ये था हमारा एक्सपीरियंस इस गुफा के साथ. अभी हम चलेंगे भैरव मंदिर. समय हो गया एंड उसका ट्रैक जाता है टेंपल के पीछे से. सो यहाँ से मैंने पता किया कोई और रास्ता नहीं जाता. सो दिस इज द रास्ता. तो ये रहा हमारा केदार मंदिर. और ये पीछे से जो रास्ता आ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था, मेरे को किसी ने बताया था इन एक्चुअली वर्क्स. टेंपल के साथ साथ जो रास्ता जाता है वो इधर निकलता है. और अभी ये जो ब्रिज है इसके उस पार है हमारा जो भैरव मंदिर का ट्रैक शुरू होता है. पानी की आवाज़ सुन रहे हो? खतरनाक जो आवाज़ आ रही है ना भैया, अलग लेवल की हवा चल रही है रिसेंटली. क्रॉसिंग दिस ब्रिज, हियर वी आर. यहाँ से एग्जैक्टली जो है ट्रैक शुरू होता है. आपसे मैं ऊपर मिलता हूँ ट्रैक के. सी यू इन अ वाइल. सो हियर वी आर. इट टुक मी अराउंड 6 मिनट्स फॉर दिस ट्रैक एंड भैरव मंदिर. सो इट्स अराउंड 1 किलोमीटर. ये से काफ़ी डिफिकल्ट लगा था बट तो फर्स्ट थोड़ा गर्म है एज कम्पेरेटिवली इतना एक्सपेक्ट किया था. ठंडी बारिश हो रही है इस टाइम पे. स्टिल फर्स्ट अभी गर्म है. इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग ऑलरेडी और वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है फ्रीक्वेंसी. और यहाँ से आपको दिख रहा है वो सामने हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं लॉन्ग व्यू ओवर देयर. और हमसे काफ़ी ऊपर है और बादल आ गए हैं. यहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो गई है. नीचे से काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी थी. सो अभी यहाँ से केदार टेम्पल आपको दिखाता हूँ वहाँ नीचे थोड़ा जाके मैं आपको. और आई माइट गो फॉर दैट माउंटेन पीक. अभी वो जूते डाल लेते हैं फिर उधर बाबा जी से मिलते हैं. उनसे पूछते हैं कि कुछ रहस्य जगह के बारे में और जो कितनी खूबसूरत जगह पर कितनी हाइट पर और क्या क्या ब्यूटीफुल यहाँ से नज़ारा है. सो हमें इस मंदिर का कोई रहस्य तो नहीं पता चला है सच, बट उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया. कितना प्यारा व्यू है यहाँ से. मुझे पूरी उम्मीद थी ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें ऊपर जाके देखने को मिलेगा, लेकिन हम जा रहे हैं उस पीक पे. सो ऐसा नहीं है, प्रॉपर ट्रेल बनी है यहाँ पे. तो यहाँ पे रेगुलर लोग आते हैं. सो आई एम नॉट द ओनली वन क्रेजी है, और भी लोगों को शौक है ऐसे पहाड़ देख के चढ़ जाने का, सोचने का कि उस हाइट से और क्या व्यू आ सकता है. वॉन्टर
पैलेस जिसे कहते हैं शायद। आई एम रियली 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 सेटिस्फाइड विद द ट्रैकिंग पार्ट, विद द व्यू पार्ट, विद दिस एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगी, वो यहाँ का रहना टू एक्सपेंसिव, यहाँ का खाना नॉट गुड एंड टू एक्सपेंसिव, और यहाँ के लोग, आई डोंट नो उनको किस चीज़ का स्ट्रेस है, ऐसी जगह पे रह के उनको स्ट्रेस कैसे हो सकता है। दे नीड सम बाबा का प्रसाद और समथिंग। शाम को हम जाएंगे केदार टेंपल फिर से दर्शन करने के लिए, अभी थोड़ा घर जाके रूम पे जाके रेस्ट करते हैं। टाइम हो गया लगभग, वो शाम तो हो गई है, 5:30 तो हो ही गए हैं। सो एनीवेज अभी क्लाउड होने की वजह से यू आर नॉट एबल टू गेट द एग्जैक्ट जजमेंट, बट ये सारा माउंटेन पीछे का पूरा स्नो माउंटेन है, दैट्स व्हाई इट्स फ्रीकिंग कोल्ड आउट हियर। और इतना ही नहीं, वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे उधर, इसके पीछे भी स्नो माउंटेन्स हैं, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू ट्रैक दिस माउंटेन। एंड आपको एक को एक टाइम लैप्स नीचे का देता हूँ मैं, हाइपरलैप्स ऑन। डाउन ट्रैक खत्म हुआ, अभी वापस आना है, रेस्ट करते हैं रूम पे जाके, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। सो मैं घर आया था आराम करने के प्लान से, प्रभाती बोला 4:30 आरती का टाइम होता है, उसको आरती सुननी है, वहीं से कुछ खा लेंगे, एंड देन विल गो ऑफ टू सिटिंग एंड चिलिंग विद सम बाबास। काफ़ी रश होता है आरती के टाइम पे, इतना तो एक्सपेक्टेड ही था। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हम वहाँ खड़े हुए थे बेल के पास और हमने देखा कि अंदर जाने दे रहे हैं, तो हम फटाफट इधर खड़ गए, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, बहुत लंबी लाइन लग गई है, बट हाँ हम अंदर जा रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं। प्रभाती बोला काफ़ी लंबी आरती होती है, तो वी विल गेट द टाइम, हम अंदर जाके माता जी के पास। काफ़ी वॉज प्रोहिबिटेड इनसाइड द टेम्पल, इन्होंने लाइट्स लगाई है आज, यही सेटअप कर रहे थे उधर भी टेम्पल के बैक साइड पे, मुझे पता नहीं था ये फ्रेम किस चीज़ का, अब समझ आया। तो दर्शन करने के बाद हम टेम्पल के पीछे आ गए हैं और अभी हम ये जगह पे जा रहे हैं। सो बेसिकली ये पत्थर के ऊपर रखे हुए पत्थर एक के ऊपर एक, लद्दाख में भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। दिस इज समथिंग रिलेटेबल टू लोगों का मन्नत मांगना या फिर विश मांगना। इन वादियों के और केदारनाथ के दर्शन करके काफी सुकून मिला।
और उससे भी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ के लोगों का जज्बा देख के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। अब अगले एपिसोड में मैं आपको लेके चलूँगा वासुकी ताल। तब तक के लिए सी यू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं एस्केप लॉग्स।